बीसीसीएल के कुस्तौर बीएनआर साइडिंग में बिहार कोलेरी कामगार यूनियन के बैनर तले असंगठित मजदूरों ने सतनाम कोल ट्रांसपोर्टिंग कंपनी जीटीएस द्वारा साजिश के तहत पर विगत 21 महीने से असंगठित मजदूरों को काम से बिठा दिए जाने से नाराज मजदूरों ने अनिश्चितकालीन क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। मजदूरों का कहना है कि जब तक हम लोगों को काम नहीं मिलेगा तब तक हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। वहीं आंदोलन के छठे दिन 6 कुस्तौर बीएनआर साइडिंग पहुंचे निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी। उन्होंने क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे मजदूरों को 8 समस्या को सुनते हुए कहा कि असंगठित मजदूरों को सतनाम ट्रांसपोर्टिंग द्वारा हटाना गलत है। मजदूरों के आंदोलन में हम लोग साथ हैं। काम से बिठा दिए जाने से मजदूरों की रोजी रोटी में काफ़ी दिक्कत आ गई है। एक तो कोरोना की मार, दूसरी ओर ट्रांसपोर्टिंग कंपनी द्वारा मजदूरों को काम से हटा देना बहुत ही गलत काम है। ट्रांसपोर्टिंग कंपनी मनमानी रवैये अपना रही है जिसे हमारा यूनियन कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर जल्द ही मजदूरों को कंपनी काम पर वापस नहीं रखती है तो हम लोग उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। बीएनआर साइडिंग के मजदूर लोग था वो यूनियन ही कहीं ना कहीं इन लोगों को चलाए। अगर वो समय यूनियन ठीक तरीके से रहता तो हम समझते जो बीएनआर साइडिंग के मजदूरों को 21 महीना तक बैठना नहीं पड़ता। आज मजदूरों की मोह भंग तमाम ऐसे यूनियन से जेएमएस वगैरह से हो रही है। बीसीसीएल के मजदूर आज भी बिहार कोलियरी कामगार यूनियन के तरफ रुख कर रहे हैं, उस पर विश्वास जताते हैं और हम लोग इनकी लड़ाई को आगे ले जाएंगे। इसकी लड़ाई को हम लोग मंजिल तक पहुँचाएंगे। इन लोगों को फिर से यहाँ के साइडिंग के मजदूरों का हम लोग क्या JBCCI में मामला उठाया? देखिए ये मामला JBCCI का नहीं है, बीएनआर साइडिंग का ही मामला नहीं है, बहुत सारे असंगठित मजदूरों से जुड़ा हुआ मामला है। और देखिए आज अगर आप ठीक तरीके से देखें तो BCCL के सभी जगह में सेल पी की मजदूरों की समस्या है। ये छोड़कर भी BCCL के कतार से या उस सब इलाके में भी हम लोग जाते हैं, वहाँ भी सेल पीकिंग मजदूरों को आस्ते आस्ते बैठा दिया गया। तो हम लोग कोशिश करेंगे क्योंकि ये मामला जो है बड़ा मामला है। अगर JBCCI का मामला है तो JBCCI में भी उठाएंगे, इधर CCU में भी हम लोग उठाने का काम करेंगे। लेकिन फिलहाल जमीनी स्तर की जो लड़ाई है उसको और मजबूती करके हम लोग कोई भी राष्ट्रीय उद्योग में हमारे श्रम कानून अधिनियम और विधि के अनुसार चलता है। हमारा कोल इंडिया इसका सारे अनुसंगी कंपनी मिला के हमारा देश का सबसे बड़ा महारत्न कंपनी है। कोई भी टेंडर क्लॉज में ये अचानक मजदूरों को रिट्रेंच करने का अधिकार टेंडर क्लॉज में प्रबंधन के द्वारा देने का अधिकार नहीं है। और हमारे उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, हमारा रांची उच्च न्यायालय की ओर से बार बार इस तरह का बहुत सारे हमारे माननीय उच्च न्यायालय से बहुत बार इस तरह का संदेश, इस तरह का राय दिया गया जे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर यानी कि मुख्य नियोगकर्ता का सबसे बड़ा जिम्मेवारी है। अगर 21 महीना से हमारा ये सारे ठीका मजदूर बैठा हुआ है, इसको किस ढंग से नियुक्त करने के लिए ये जो कमीशन एजेंट है, जो ठीका एजेंसी है, इसको बाध किया जाए, ये कानूनी प्रावधान, कानूनी जिम्मेवारी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को है। ये जल्द से जल्द ये देखने पड़ेगा, नहीं देखने से मजदूर का आंदोलन का सामने प्रबंधन हो चाहे किसी का भी साजिश हो, अगर ये होगा तो इसका खिलाफ हम लोग का लड़ाई और मजबूत होगा। क्वालिटी ओवन फ्रेश, जो बच्चों की सेहत से करे प्यार वो क्वालिटी ब्रेड से कैसे करे इनकार। हमारा पता है आरा मोड़ रेलवे गेट नंबर 1 धनबाद, मोबाइल नंबर 7004067।